हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन होम्स प्लान के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं प्लान लेकर आया हूँ जिसका साइज है 15x60। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसमें आपको कार पार्किंग मिलेगी और शॉप प्लान मिलेगा और आपको 3 BHK हाउस प्लान मिलेगा। अब मैं आपको इसकी 3D पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं एक बात बता दूँ आपको, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना है। तो बढ़ते हैं 3D डिजाइनिंग की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा कंप्लीट प्लान मिलता है आपको 15x60 में, फुल वेंटिलेशन के साथ में। देख सकते हैं कंप्लीट अटिया बनी हुई है आपकी। यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके से एक दुकान दिखेगी, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिखेगा। अगर आप गेट से एंट्री लेते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से कार पार्किंग दिख जाती है। यहाँ पे आपको कार पार्किंग मिल जाएगी। कार पार्किंग का मैंने साइज दिया हुआ है 8.5x13, 8.5x13 इस कार पार्किंग का साइज दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एक दुकान दिख जाएगी। यहाँ पे आपको एक रोड साइड से शटर उपलब्ध कराया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक दुकान दिख जाएगी। इस दुकान का मैंने साइज दिया हुआ है 5.5x9, 5.5x9 इसका साइज दिया है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट दिखेगा और वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो भी दिख जाएगी। इंटीग्रेट से एंट्री लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको तुरंत जीना मिल जाता है। यहाँ पे आपको तुरंत जीना मिल जाएगा। जीना आपका 3 फिट का दिया गया है, ये जीना देख सकते हैं, जीना आपका 3 फिट का दिया है। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने दिया है, पैर रखने वाला 9 इंच का दिया है, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी है। पैर रखने वाला 9 इंच का इसका है और हाइट मैंने इसकी 8 इंच दी है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एक इंटीग्रेट दिखेगा। यहाँ पे आपको जीने के नीचे यहाँ पे आपको कॉमन एक लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड मिल जाती है, देख सकते हैं। जीने के नीचे आपका अच्छा खासा स्पेस मिलता है, तो यहाँ पे आपके कॉमन लैट्रिन बाथरूम निकाल दिए मैंने। इंटीग्रेट मैंने कुछ इस साइड से दिया गया है, देख सकते हैं। इस लैट्रिन बाथरूम का साइज मैंने दिया हुआ है 3.5x5, 3.5x5 इसका साइज दिया है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से बैठक मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ओपन बैठक मिल जाती है, देख सकते हैं। इस बैठक का मैंने साइज दिया हुआ है 10x15, 10x15 इसका साइज दिया है, देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको बैठक मिल जाती है पूरी, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 फिट की एक गैलरी मिलती है, ये गैलरी आपकी 4 फिट की है, देख सकते हैं। गैलरी से पहले यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट दिखेगा, देख सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो भी दिख जाती है, देख सकते हैं। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हो तो यहाँ पे आपको एक रूम मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक रूम मिल जाता है। अगर आप इंटीग्रेट इस साइड भी लगाना चाहते हो तो इस साइड भी इंटीग्रेट एक लगा सकते हैं, देख सकते हैं। इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 10x12, 10x12 इसका साइज दिया है, देख सकते हैं, 10x12। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 फिट की गैलरी मिलती है। गैलरी से आप आएंगे, आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ओपन किचन मिल जाती है। यहाँ पे आपको ओपन किचन मिल जाती है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप। इस किचन का मैंने साइज दिया हुआ है 8x15, 8x15 इसका साइज दिया है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिखेगा। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पे आपको एक लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड मिल जाती है, जिसका मैंने वेंटिलेशन यहाँ से पीछे से दिया है। यहाँ पे ऊपर जाल रखा जाएगा, यहाँ पे आपका रूम का भी वेंटिलेशन होता रहेगा। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में दिखा दूंगा, देख सकते हैं। तो इस लैट्रिन बाथरूम का मैंने साइज दिया हुआ है 4x8, 4x8 इसका साइज दिया है लैट्रिन बाथरूम का, देख सकते हैं। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट मिलेगा, देख सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो भी मिल जाती है। इस गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको एक और रूम मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक और रूम मिल जाता है। इसका भी साइज मैंने सेम दिया है 10x12, 10x12 इसका मैंने साइज दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैंने 2.5 फिट का इंटीग्रेट दिया है। यहाँ पे आपको ओपन एरिया मिलता है, ऊपर जाल रखा जाएगा। यहाँ पे आने जाने के लिए, सफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको 2.5 फिट का इंटीग्रेट दिया है। वेंटिलेशन भी आपका होता रहेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको 2 रूम मिलते हैं, एक आपको बैठक मिलती है, आपको अच्छी खासी किचन मिलती है। यहाँ पे आपको एक कॉमन लैट्रिन बाथरूम मिलती है, एक आपको सेपरेट लैट्रिन बाथरूम मिलती है, कार पार्किंग मिलती है, आपको शॉप प्लान भी मिलता है। अब बात आती है फर्स्ट फ्लोर की। जीने से आपको ऊपर आना, ऊपर आने के बाद आपको फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट दिख जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको तुरंत कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट दिख जाएगा,
देख सकते हैं, रोड साइड से आपको एक बेडरूम मिल जाता है जिसका मैंने इंटीग्रेट बालकनी में आने जाने के लिए आपको भी दिया है। देख सकते हैं वेंटिलेशन के आपको विंडो भी उपलब्ध कराई गई है। देख सकते हैं इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 10x15, 10x15 इसका साइज दिया है रूम का। देख सकते हैं 10x15। उसके बाद यहां पे आपको तुरंत जीना मिल जाता है ऊपर जाने के लिए। देख सकते हैं जीना आपका 3 फिट का दिया गया है, सेम आपका जीना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बैठक मिल जाती है 10x15 की बैठक मिल जाती है। बैठक के जस्ट बगल में यहाँ पे आपको बेडरूम मिल जाता है, इंटीग्रेट मैंने कुछ साइड से दिया है। वेंटिलेशन के आपको विंडो भी उपलब्ध कराई है। 10x12 का ये आपका रूम दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 फिट की गैलरी मिलती है, गैलरी से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ओपन किचन मिल जाती है 8x15 में, 8x15 में यहाँ पे आपको किचन मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से लेटरिंग बाथरूम कंबाइन मिल जाती है 4x8 की। यहाँ पे देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए आपको जाल दिया गया है, देख सकते यहाँ पे आपको जाल दिया गया है। लेटरिन बाथरूम के जस्ट बगल में यहाँ पे आपको एक और रूम मिल जाता है 10x12 का, जिसका वेंटिलेशन आपको अच्छा खासा मिलता रहेगा इस साइड से भी, और आपको इस साइड से भी आपको वेंटिलेशन मिलता रहेगा। देख सकते हैं तो इस तरीके से आपको फर्स्ट फ्लोर पे आपको 3BHK प्लान पूरा कंप्लीट मिलता है। देख सकते हैं अब बात आती है अटिया की और एलिवेशन की। यहाँ पे आपकी कंप्लीट अटिया बनी हुई है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने ग्लास का यूज किया है, जीने में उजाला भी बना रहेगा आपके। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका जाल दिया गया है वेंटिलेशन के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एलिवेशन कुछ इस तरीके से दिया आपका, यहाँ पे ग्लास का यूज किया है, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से आपका एलिवेशन दिया है। देख सकते हैं उम्मीद करता हूँ आज का प्लान आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आज का प्लान पसंद आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, वीडियो धन्यवाद।